नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भोलेनाथ के एक परम भक्त भोले की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में भगवान भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में पुजारी जी भगवान शिव की पूजा अर्चना और सेवा करते और वहीं निवास करते थे। सभी श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद के साथ साथ भोजन पकाने की सामग्री भी चढ़ाते थे, क्योंकि पुजारी जी ने ये नियम ले रखा था कि वो भोलेनाथ को ताजा पकी रसोई का भोग लगाते थे। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर कोई एक छोटे से बच्चे को छोड़ जाता है। रोने की आवाज सुनकर पुजारी जी वहां आकर देखते हैं तो आसपास कोई नहीं होता, बस एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा होता है। पंडित जी उसे खाने के लिए कुछ प्रसाद देते हैं और उसके माता पिता का इंतजार करते हैं। इंतजार करते करते दिन ढल जाता है और कोई नहीं आता। तब पंडित जी उस बालक को अपने साथ मंदिर में रख लेते हैं और उसका नाम भोला रखते हैं। धीरे धीरे भोला बड़ा हो जाता है और मंदिर की सारी देखभाल, पूजा पाठ और भगवान शिव को गरम रसोई बनाकर भोग लगाने का काम करने लगता है। समय बीतता है और पंडित जी का देहांत हो जाता है। अब भोला अकेला ही भोलेनाथ के साथ मंदिर में रहने लगता है। एक बार सावन का महीना आया और तेज बारिश की वजह से कोई भी भक्त मंदिर में नहीं आए। भोजन पकाने को सामग्री भी नहीं थी, तो भोला ने भगवान शंकर को गंगा जल का भोग लगाया और स्वयं भी गंगा जल पीकर रह गया। भोलेनाथ उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, लेकिन आखिर में उनसे रहा नहीं गया। भोलेनाथ ने सेठ के नौकर का रूप लिया और तेज वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने भोला को पोटली दी और बोले, सेठ जी ने ये सामग्री भेजी है, इससे रसोई पका लो और भोलेनाथ को भोग लगा दो। भोले ने ताजा गरम रसोई बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाया। पूरे सावन के महीने तेज बारिश में भगवान शंकर सेठ के नौकर के रूप में भोले को सामग्री देने आते रहे। एक दिन भोले ने नौकर को कहा, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद देने नहीं आए, उन्हें कहना कि कल वो स्वयं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने पधारें। ये सुनकर नौकर बने भोलेनाथ चौंक गए और बोले, पंडित जी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, सेठ जी सामग्री भेजते हैं और आप भोग लगा देते हैं। भोला बोला, ऐसे कैसे, आपके सेठ जी सामग्री भेजकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, क्या मैं उन्हें प्रसाद खिलाकर अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? उन्हें कल भेज देना, यदि वो नहीं आए तो मैं ये सामग्री लेना बंद कर दूंगा। तब अपने सरल हृदय वाले भोले भक्त पर रीझ कर भगवान शंकर बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगे। अब भोलेनाथ भोले भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश पर तैयारी करने लगे और माता पार्वती भी सेठानी का रूप धरकर तैयार हो गईं। दोनों पृथ्वी पर पहुँचे। इधर भोला भक्त सेठ जी के इंतजार में भांति भांति के पकवान बनाने में व्यस्त था। तभी वो देखता है कि सेठ जी और सेठानी जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने पहुँचे हैं। तब भोला बोला, मैं अभी आता हूँ भोलेनाथ को भोग लगाकर और फिर आकर आपको पत्तल परोसता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती भोले का इंतजार करने लगे। भगवान को भोग लगाकर
जब भोला वापस आया तब उसने सेठ बने भगवान शिव को खीर से भरा पात्र परोसा। सेठ बने भगवान शिव पूरा पात्र खा गए। तब भोले ने जल्दी से पात्र वापस भर दिया। अब भगवान शिव खीर खाते जाएं और भोला खीर परोसता जाए। देखते ही देखते पूरा पात्र खाली हो गया। तब भोला बोला, सेठ जी मैं माफी चाहता हूँ। मुझे पता होता कि आपको भोग इतना पसंद आएगा तो मैं ज्यादा रसोई पकाता। अब देखिए ना, सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। तब माता पार्वती ने भगवान शिव के खीर के बर्तन में बचे कुछ चावल के दाने खा लिए और बोली, ये लो मैंने भी भोग ग्रहण कर लिया, मेरा भी पेट भर गया। खीर के कटोरे में एक चावल का दाना बचा था। भोले ने वो दाना ग्रहण कर लिया। उस दाने को ग्रहण करने से उसकी समस्त भूख प्यास मिट गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सम्मुख भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। भोला भागकर उनके चरणों में समा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।